ओम सूर्य देवताय नमः। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube के इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पे आपको आयुर्वेदिक पौधों की पहचान करवाता हूँ, साथ में आपको उनके आयुर्वेदिक इलाज के बारे में भी बतलाता हूँ। तो दोस्तों, उसी कड़ी में आज मैं आपको आँख के पौधे के लाभ के बारे में बतलाऊँगा। इसकी सहायता से अपने शरीर से गंभीर रोगों को चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा के ऑन कर दीजिए। साइड में जो घंटे का बटन दिख रहा है इसको भी दबा करके आप ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो आसानी से मिलते रहेंगे और आप उन वीडियो को जल्दी देख पाएंगे, सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, यह है सफ़ेद आँख का पौधा। इसको आँख का पौधा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो पौधा होता है, यह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। दोस्तों, यह जो पौधा होता है दो प्रकार का होता है, एक बैंगनी और दूसरा सफ़ेद रंग का। ये दो यह जो पौधा होते हैं भगवान शिव को अति प्रिय माना जाता है। लोग इसके पत्तों में राम लिख करके भगवान हनुमान को अर्पण करते हैं, जिससे उन्हें यह माना जाता है कि भगवान प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और इसका जो पुष्प होता है भगवान शिव को बहुत ही प्रिय रहता है। इसके पुष्प और इसके फल जो है भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। सफ़ेद पुष्प वाला जो आँख का पौधा होता है यह आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत ज़्यादा लाभप्रिय होता है और भगवान शिव को भी यह बहुत ज़्यादा प्रिय माना जाता है, क्योंकि सफ़ेद कलर जो होता है वह पार्वती का स्वरूप माना जाता है। इसलिए यह जो पौधा होता है भगवान शिव अति प्रसन्न होकर के अपना स्नेह प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है इसको जहर भी मानते हैं। दोस्तों, प्राचीन जो आयुर्वेदाचार हुआ करते थे वो इसका जो प्रयोग है वो गंभीर से गंभीर रोगों को ठीक करने में करते थे। तो आज हम आपको इसके कुछ तरीके के बारे में बतलाएंगे और आप अपने रोगों को किस प्रकार और कितनी मात्रा में आपको इसका प्रयोग करना है वह आज हम आपको वीडियो के माध्यम से बतलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मदार का जो पौधा होता है इसके, ये तो सभी जानते हैं कि इसकी जो पहचान करवाने की आवश्यकता तो नहीं है शायद मुझको, क्योंकि सभी इसका प्रयोग करते हैं। कभी पुष्प के तौर पे करते हैं तो कभी इसके फलों के तौर पे करते हैं। दोस्तों, इसका जो फल होता है वो रुई की रुई निकलने लगती है इसके फलों से जब ये सूख जाता है और बिखरने लग जाता है। तो सभी इसकी पहचान करते हैं और सभी इसको जानते भी हैं। तो चलिए देरी नहीं करते और जानते हैं कि यह कौन कौन से रोगों की कारगर औषधि मानी जाती है। जोड़ों के दर्द में या सूजन में, दोस्तों अगर आप में जोड़ों का दर्द हो रहा है या फिर किसी भी जगह पर अगर सूजन आ गई हो तो आप इसकी एक पत्ती को सरसों के तेल लगा करके, इसकी पत्ती को तोड़ लेना और उसमें सरसों का तेल आपको लगा करके जिस जगह पर मोच या फिर सूजन है उस जगह पर अगर बांध लेते हैं और कपड़े के साथ ऐसे हल्की हल्की सिकाई करते हैं तो दर्द बहुत जल्दी खिंच जाता है और सूजन भी जो होती है दोस्तों बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। यानी एक से दो बार अगर आप इससे सिकाई कर लेते हैं तो सूजन भी उतर जाती है। चेहरे में अगर अत्यधिक दाग धब्बे हैं जिन लोगों के, तो वो लोग इसमें आँख का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको आँख के दूध कुछ मात्रा में लेना और उसमें समान मात्रा में आपको कच्ची हल्दी का पाउडर मिला करके चेहरे पर लगा लेना है तो चेहरे के दाग धब्बे जो होते हैं बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। ध्यान रखें दोस्तों कि इसका जो पाउडर आपने बनाया वो पाउडर जो है आँख पर और नाक पर और मुँह पर ना जाए। जिन लोगों को बवासीर की रोग से ग्रसित होते हैं, जिन लोगों को बवासीर की अत्यधिक शिकायत होती है, ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है, तो वो लोग इसका प्रयोग जरूर करें क्योंकि बवासीर का काल माना जाता है। यह बवासीर को बहुत ही जल्दी ठीक कर देती है। इसमें आँख के दूध का प्रयोग बाहरी रूप से किया जाता है। अगर आपको बवासीर गुहे पर मस्से वाली है तो आप उसके मस्से पर इसका दूध लगाएंगे तो कुछ ही दिनों बाद जो उसका मस्सा होता है वह ठीक हो जाता है और बवासीर की शिकायत से आपको निजात मिल जाती है। जिन लोगों को अगर कांच या फिर किसी प्रकार का कांटा कील अगर गड़ जाता है और वह निकलता नहीं है दोस्तों, तो उसमें क्या करना है आपको हल्की सी जो है एक साफ सुथरी पेंसिल की सहायता से, यानी नोक वाली सुई की सहायता से उसको खुरद लेवें और खुरदने के बाद इसके दूध को लगा देवें तो कुछ ही समय बाद जो होता है अगर कांटा घुसा हुआ या कांच घुसा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली कुछ देर बाद बाहर आ जाती है। और काफ़ी सारे आदिवासी लोग इसका बहुत ही प्रयोग करते हैं। अगर उनके कांटे गड़ जाते हैं या किसी प्रकार का कील गड़ जाता है जिससे उनको इन्फेक्शन का डर रहता है तो दोस्तों इसका दूध लगा लेने से कि कांच भी बाहर आ जाती है, कील भी बाहर आ जाती है और कांटे भी बाहर आ जाते हैं और इन्फेक्शन होने का डर भी नहीं रहता, तो आप उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। पाँव में अगर जिन लोगों के छाले होते रहते हैं जिनको किंद्री भी बोला जाता है, यानी पैरों के जो आपकी उंगलियां होती हैं उनके बीच में भी आपने देखा होगा कि ज़्यादा पानी में या फिर ठंड के समय में अगर आप काम करते हैं तो आपके पैरों में किंद्री हो जाती है, यानी घाव हो जाती है और बहुत ही तेज़ दर्द करता है, तो दोस्तों आप उसमें जो होता है इसके पत्तों का रस
निकाल लेना है, यानी पत्तों का रस निकाल सके तो रस निकाल लेना है, या फिर इसकी चटनी बना करके उन जगह पर लगा करके कपड़े की सहायता से बांध करके रख देंगे। तो किंद्री यानी जो आपके घाव हो गए पैर पे, या फिर पैरों की जो चमड़ियाँ फटने लगी हैं, टाइट हो गई, तो बहुत जल्दी उनको ठीक कर देते, तो आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हैजा होने पर भी दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मदार का जो फ़ायदा होता है बहुत ही लाभदायक माना जाता है। अगर आपको हैजा की शिकायत है तो आप उसमें इसके आँख के पौधे की जड़ को निकाल लेवे और उसको उसकी जड़ को पानी से अच्छी तरीके से साफ कर लेवे, और साफ करने के बाद उसकी जड़ जो निकलेगी जिसको आपने साफ किया उसकी आपको जड़ की छाल निकाल लेना, और उस छाल को जो है आपको छाँव में सुखा करके उसका बेहतरीन मस्त आपको पाउडर मिला लेना। पाउडर बनाने के साथ दोस्तों उसमें समान मात्रा में आपको काली मिर्च और समान मात्रा में इसका अदरक का रस मिला करके इसकी आपको गोली बना लेनी हो। गोली बनाने के बाद दिन में 3 टाइम आपको जो है पुदीने के पत्ते के रस के साथ में इसका इस्तेमाल करना है, यानी पुदीने के रस के साथ में इसकी जो है मटर के समान आपको छोटी छोटी गोली बना लेनी है, और दिन में 3 टाइम आपको जो है पुदीने के रस के साथ में इसका सेवन करना है। दोस्तों बहुत ही जल्दी हैजा से आपको निजात दिला देता है। जिन स्त्रियों को संतान नहीं होती यानी बांझपन की शिकायत रहती है तो उनमें आग का पौधा अमृत के समान माना जाता है। जिन महिलाओं की प्रजनन क्षमता कमजोर हो जाती है वो महिलाएं आग के पौधे का इस्तेमाल कर सकती है और उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसमें उन महिलाओं को सफ़ेद आँख यानी जो आप वीडियो में देख रहे हैं सफ़ेद आँख के पौधे की जड़ को पूरा जड़ आपको ले लेना, अच्छी तरीके से पानी में साफ करके इसको जो छाँव में सुखा लेना, और छाँव में सुखाने के बाद दोस्तों उसका पाउडर बना करके 1 से 2 ग्राम की मात्रा में गाय के शुद्ध दूध के साथ में 1 गिलास दूध में आप 1 ग्राम की मात्रा डाल करके इसका पाउडर, और रात को सोने से पहले इसका इस्तेमाल करेंगे अगर महिलाएं तो उनमें प्रजनन क्षमता बढ़ती है और बहुत जल्दी उनकी गोद जो होती है वो हरी हो जाती है, यानी उनमें प्रजनन क्षमता बढ़ने के साथ में उनमें संतान उत्पत्ति की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्राचीन ऋषि मुनि दोस्तों आग के पौधे का सफ़ेद आग के पौधे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे जिन महिलाओं को संतान नहीं होती थी। दोस्तों आग के पौधे का जब भी आप प्रयोग करें तो चित परिचित आयुर्वेदाचार्य की आंखों के सामने या फिर परामर्श अनुसार ही उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह पौधा जो होता है अत्यधिक मात्रा में इसका प्रयोग जो होता है वो नुकसानदायक होता है, और इसका जो दोस्तों ज़्यादा अगर आप मात्रा में इसका प्रयोग करेंगे तो यह हृदय संबंधी और काफ़ी सारे संबंधित रोगों के लिए यह जो होता है यह आपको बढ़ावा देता है और आप में जो होता है इस प्रकार का नुकसान करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों इसका जब भी आप प्रयोग करें तो चिर परिचित आयुर्वेदाचार्य के परामानुसार ही आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, अक्सर जो होती है आयुर्वेदिक जिनमें जहर की मात्रा होती है उनका अगर आप कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे गंभीर रोगों को ठीक करने में सक्षम होती है, तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके जो फूल होते हैं दोस्तों इसका फूल की जो फूल के पाउडर का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गैस या फिर जिनके पेट में अपच होती है जिनके आंतें कमजोर जाती है उनका इसके पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। पर इसका जो पाउडर का जो तरीका होता है दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, अगली बार हम इसके जो आग के पौधे का इसके जो पुष्प का जो होते हैं इसके पुष्प को आपको किस कितनी मात्रा में इसका पाउडर का इस्तेमाल करना है और कैसे गैस जिनके पेट खराब रहता है गैस रहता है अपच रहता है बदहजमी रहती है उनके लिए जो चूर्ण बनाया जाता है उसके लिए हम आपको अगले वीडियो में जरूर बतलाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। दोस्तों आपसे एक और निवेदन है कि आप इस पौधे का आयुर्वेद में किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन से रोगों में इसके कौन कौन से भाग का इस्तेमाल करते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बतलाएं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरों को भी शेयर कीजिएगा जिससे वो भी इससे लाभ ले सके, और अगर आप हमारे चैनल पर रहें तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा करके सब्सक्राइब हो जाइए, साइड में जो नोटिफिकेशन उसको ऑल कर दीजिए जिससे आपको हमारे सभी लेटेस्ट आयुर्वेद से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी आयुर्वेदिक पौधे और उसके उपचार के साथ में, तब तक इजाजत दीजिए, हर हर महादेव।